और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, कवर्धा से, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई है। युवक पर लोहे के रॉड से वार किया गया था, जिसके बाद उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। आपसी विवाद की वजह से ये वारदात हुई। वारदात के बाद आरोपी ने थाने में सरेंडर किया है। कोतवाली थाने के रविदास नगर की ये पूरी घटना है। युवक की रॉड मारकर हत्या कर दी गई, कवर्धा की खबर आपको बता रहे हैं। कोतवाली थाने के रविदास नगर में यह घटना घटी है। आपसी विवाद के बाद युवक पर हमला किया गया था रॉड से और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद वारदात के बाद आरोपी थाने में पहुंचा सरेंडर करने के लिए। अधिक जानकारी के लिए प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ बात को लेकर विवाद हुआ था जो विवाद इतना बढ़ गया और उस पर हमला किया गया? देखिए रस, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बीती रात की घटना है, जो है जो मृत जो व्यक्ति है वो अपने कुछ निजी काम से घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान जो एक आरोपी है उसके घर के सामने जो है घात लगाकर रात पकड़कर बैठे हुए थे, और जैसे आए तो रात में उसके जान से मार दिया और मौके पर ही उसकी जो है दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि पहले से ही जो है इन लोगों के रंजिश, आपसी रंजिश जो है चल रही थी, जिसके कारण से ही हत्या किया गया है। जिसने हत्या की है वो सरेंडर करने पहुंच रहा है, अब क्या कुछ उसका कहना है, बयानों में क्या कुछ निकल करके सामने आया? देखिए, ये अभी जानकारी मिली है कि जो आरोपी का कसाब सर से कहना है कि उनके जो पत्नी के साथ अवैध संबंध चल रहे थे, जिसके कारण से उसके युवक को जो है मौत के घाट उतारा है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए प्रदीप।